भाई और बहनों, इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा भी देश के सामान्य मानवीय जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए जो योजनाएं केंद्र सरकार चला रही है उनको असम की सरकार गति दे रही है। इसी का परिणाम है कि बच्चों को पढ़ाई, युवाओं को कमाई, बुजुर्गों को दवाई, जन जन की सुनवाई असम में सुनिश्चित हो रही है। उज्ज्वला योजना के तहत करीब 24 लाख मुफ्त गैस के कनेक्शन असम गरीब बहनों को दिया जा चुका है, जिसका परिणाम है कि असम में 4.5 वर्ष पहले तक जहां करीब 40% घरों में गैस सिलेंडर था, वहीं आज ये दायरा दोगुना करीब 80% हो चुका है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत करीब 32 लाख शौचालय असम में बन चुके हैं, जिसमें 4.5 वर्ष में ही स्वच्छता का दायरा 38% से 98% हो चुका है। सौभाग्य योजना के तहत बीते एक वर्ष में ही असम के 12 लाख से अधिक परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया गया है, जिससे असम में बिजलीकरण का दायरा करीब 50% से बढ़कर करीब 90% हो चुका है। आप उस स्थिति को भी याद करिए जब यहां टी गार्डन में काम करने वाले बहन भाइयों के बैंक खाते ही नहीं थे, बैंक नाम का उनको अता पता नहीं था। जनधन योजना के तहत 7 लाख कामगार बहन भाइयों के बैंक अकाउंट खुलवाए गए। अगर मैं पूरे आसाम की बात करूं तो राज्य में करीब 1.5 करोड़ जनधन खाते हमारी सरकार ने ही खुलवाए हैं। ये तमाम योजनाएं हमारी सरकार के संस्कार और आप सभी के सहयोग और आशीर्वाद से सफलता की तरफ आगे बढ़ रही है।